यमुना में बच्चा डूबने की कॉल मिलते ही बोट क्लब की टीम एकदम यमुना नदी की तरफ दौड़ पड़ती है और पूरा अलर्ट है, वहाँ पर लोग तैनात हैं। तुरंत एक बच्चे को बचाने के लिए बोट क्लब इंचार्ज खुद दौड़ पड़े हैं और उन्होंने मैसेज कर दिया है पूरी टीम को ताकि टीम अलर्ट हो जाए। उठ के देखो बिठाओ ठीक है ना? ठीक हो ना? क्या नाम है तुम्हारे? गुलाब भाई। कहाँ रहते हो? यहाँ क्या करने आए थे? पानी में क्यों कूद गए? नहाने के चक्कर में। फिर आगे क्या था? पानी ज्यादा गहरा था? कितना पानी था? 10-15। तो तुम्हें नाना नहीं चाहिए ना इसके अंदर? अब आगे से ध्यान रखना, यमुना नदी के किनारे बिल्कुल नहीं आना। नाना आओ तो नहाने के लिए नहीं घुसना उसके अंदर, ठीक है ना? इस बात का खास ध्यान रखना। उठ करके देखो, खड़े होकर के। ठीक हो? बिल्कुल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है? नहीं है, फिट बिल्कुल। चलो जाओ, अपने कपड़े वगैरह पहनो। शास्त्री पार्क में यमुना के किनारे रहने वाले एक युवक नहाने के लिए कूदा और डूबने लगा। उसी वक्त कॉल मिली वोट क्लब को और उन्होंने बचा लिया। इस बचाए गए युवक से हम बात करते हैं कि वहाँ किस लिए आए थे। भैया क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद नाम है मेरा। गुलाम क्यों आए थे आप यहाँ पे? मैं ऐसे आया था घूमने के लिए, मैंने पानी देखा, मैंने कहा सोचा नहा लूँ, तो आगे बढ़ा तो कम पानी था, फिर उससे आगे बढ़ा तो गहरा पानी में डूबने लगा। आपको तैरना आता है? नहीं, तैरना नहीं आता मुझे। तो यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हुए, बोर्ड नहीं देखा आपने कि नहीं जाना चाहिए? मगर मैं बोर्ड इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, मैं बोर्ड पढ़ लूँ। अब दोबारा आओगे? आज आपको बोट क्लब वालों ने बचा ली, जिंदगी मिल गई आपकी। अब नहीं आऊँगा दोबारा भी, अब तो मैं काम भी कर रहा हूँ, नहीं आऊँगा।